जीएम पे अभी एक नया अपडेट आया है सर्च के रिगार्डिंग। हमने अभी आपको बाकी के सर्च बता दिए, जैसे ये वाला सर्च कैसे करते हैं, इसका फिल्टर क्या होता है ये बता दिया, आइटम वाइज बता दिया और हाई वैल्यू बता दिया, एडवांस सर्च के प्रॉपर तरीके बता दिए, आरए में क्या होता है, कैटेगरी वाइज मिनिस्ट्री बता दिया, लोकेशन बता दिया, बीओक्यू बता दिया, ये सभी चीजें प्रॉपर तरीके से टेंडर सर्च कैसे करेंगे ये बता दिया। अभी तक जेम पे इतना ही डेटा अवेलेबल था। अभी ये जब अभी तक हम लोगों ने 205 बैच कंप्लीट हो गया सर, आपका अभी 206 बैचेस है, तो जो यही बैच में अभी ये देखो एक नया अपडेट आया, पिछले बैच में भी ये अपडेट नहीं था। यहाँ पे एक सर्च करने के लिए क्लिक है टू न्यू डैशबोर्ड बोल के आया, ये अभी लेटेस्ट अपडेट है टेंडर सर्च करने के लिए, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। इस पे टेंडर सर्च करने का एक तरीका बदल चुका है, आपको एक अलग डैशबोर्ड दे रहा है, मतलब उसका एक रूप दे रहा है जहां से आप टेंडर सर्च कर सकते हो। यहाँ पर भी ऐसा ही, ऐसा समझो इसका एक कंबाइंड रूप है, ये जो पार्ट है इसका एक कंबाइंड रूप है, आप यहाँ पे जाते थे, यहाँ जाते थे, यहाँ पे जाके अलग अलग सर्च करना पड़ता था, अभी उसकी जरूरत नहीं। आप यदि एडवांस सर्च में जाते हो तो इसका एक कंबाइंड रूप है, कैसे, तो यहाँ पे देखो सेम है कंटेंट या एग्जैक्ट सर्च है ना। यदि आपको लगता है एलईडी लाइट, अभी मुझे ये टेंडर ढूंढना है एग्रीकल्चर हैरो, तो ये ऐसा मुझे सेम डालना है में, ये टेंडर मिल जाएगा। इसका मुझे थोड़ा सा पता है, सिर्फ एग्रीकल्चर पता है, और मैं इसको सर्च कर देता हूँ एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग, देखो नहीं आया टेंडर कि एग्जैक्ट मैच डाला, सेम मैंने खाली कंटेंट डाल दिया, ये टेंडर मुझे मिल जाएगा। अभी एग्रीकल्चर, कोई भी टेंडर में एग्रीकल्चर वर्ड यूज हुआ है तो वो टेंडर मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा, चाहे वो कस्टम बीड हो, बीओक्यू बीड हो या कैसा भी बीड हो। ठीक है, आप यहाँ पे इसको सॉर्ट भी कर सकते हो, बीड स्टार्ट डेट से लेटेस्ट फर्स्ट, स्टार्ट डेट का ओल्डेस्ट फर्स्ट मतलब पहला पुराना टेंडर दिखाओ, फिर नया लेटेस्ट वाला पहला दिखाओ, इन डेट का पहला और लास्ट, ये भी आप देख सकते हो। जो टेंडर अभी खत्म हो रहा है वो टेंडर का इन डेट आपको यहाँ पे अभी हाईलाइट हो रहा है, देखो 29/8/29 है ना, आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जा रहा है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, ये स्टार्ट डेट है टेंडर का और ये एंड डेट। यहाँ पर इसके बाद कुछ फिल्टर्स है, ऑनगोइंग बिड्स या बिड आरए स्टेटस, जैसे कि आप लोग थोड़ी देर पहले आप लोग बात कर रहे थे, जो मुझे पुराना टेंडर देखना है तो आपको बिड आरए स्टेटस भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कंटेंट वाइज एग्जैक्ट मैच सेम, कोई भी पुराना टेंडर इसके आगे में आपको स्टेटस पता चल जाएगा, प्रोडक्ट बीड, सर्विस बीड, बीओक्यू बीड, जैसे मैंने थोड़े बीड के टाइप्स बताए थे वो टेंडर मिलेगा, हाई वैल्यू बीड्स जैसे अभी थोड़े देर पहले बोला था 2 करोड़ से ऊपर जो टेंडर है वो देखना है तो आपको मिल जाएगा, टेक्निकल इवोल्यूशन, फाइनेंस इवोल्यूशन, आरए स्टेटस, ये आरए स्टेटस का मैं अलग से भी और एक चैप्टर बताऊं। एक मिनट सर, ठीक है, क्लियर हो गया ये, हम इस तरीके से यहाँ पे एक नया अपडेट आया है, आप इस तरीके से यहाँ पे सर्च कर सकते हो। मैंने अभी जो बताया उसका ही एक मिला हुआ रूप है, इजी बनाया, थोड़ा सर्च को इजी बनाया, पर यहाँ पर भी अभी इस तरीके से इजी नहीं बनाया है, जैसे कि मैंने बोला एक के साथ मैं दूसरा फिल्टर यूज कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे पुणे लोकेशन में सिर्फ एलईडी लाइट का टेंडर दिखा दो, जो अभी भी यहाँ पे जेम पे पॉसिबल नहीं है, फिल्टर मर्ज नहीं कर रहा है और फिल्टर को थोड़ा इजी जरूर, क्लियर है, बोलो किसी को कुछ डाउट है इसमें सर्च में। सर एक्चुअली में जो पुराना वाला सॉफ्टवेयर था उसमें मेरी कैटेगरी के बिट्स तो दिखाई दे रही हैं, बट नए वाले फिल्टर पे जो अभी भी लॉन्च हुआ है ये, इसमें मेरे वाली कैटेगरी में बिट्स नहीं दिखाई दे रही कोई भी किसी तरह की। दिखेगा ना, आप यहाँ पे कंटेंट डाल दो और आप सर्च मार दो, कंटेंट्स में जो भी चाहिए वो दिख जाएगा आपको, मुझे एलईडी चाहिए, एलईडी के रिगार्डिंग जो भी चाहिए मुझे एलईडी का, देखो अभी कोई भी बिट में एलईडी यूज हुआ है तो वो टेंडर यहाँ पे दिख जाएगा। सर मैंने करके देखा, नहीं हो रहा नहीं, नहीं रहेगा।
बोलो आपके कंटेंट्स, कौन सा टेंडर, आपका टेंडर आईडी मुझे टेक्स्ट कर दो, मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च कर। टेंडर आईडी टेक्स्ट करूँ आप मुझे, मैं यहाँ पे डाल दो चैट बॉक्स में, मैं डाल दूँगा। चलिए और किसी को कुछ पूछना है? चलिए तो फिर हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे टेंडर को, टेंडर स्टडी कैसे करते हैं, कोई भी टेंडर डाउनलोड करके उसमें पढ़ना क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगा है और डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अभी इसके बाद ये पार्ट देखेंगे।